पेश है खेल की जगत की इस वक्त की खास खबरें। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रविवार को एक तरफा फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग ट्रॉफी तीसरी बार जीती। टॉस हारने के बाद केकेआर ने शानदार बॉलिंग की और एसआरएच को 113 रन पर आउट कर दिया। ये आईपीएल के खिताबी मुकाबले में अब तक का सबसे कम स्कोर रहा है। केकेआर ने 114 रन का लक्ष्य 57 बॉल बाकी रहते पा लिया। वेंकटेश अय्यर 26 बॉल पर 52 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर सुनील नारायण ने तीसरी बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का इनाम जीता। उन्होंने 179.85 की स्ट्राइक रेट से एक सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी के साथ 488 रन बनाए। इसमें 33 छक्के और 50 चौके शामिल हैं। उन्होंने 6.69 की इकोनॉमी के साथ 17 विकेट भी लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार विराट कोहली ने 15 पारियों में 61.75 की औसत से एक शतक और 5 अर्धशतक के साथ 741 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीता। यह आईपीएल में किसी भी बैट्समैन को सबसे ज्यादा बार ऑरेंज कैप मिला है। कोहली ने पहली बार 2016 में ऑरेंज कैप जीता था। पंजाब किंग्स के बॉलर हर्षल पटेल ने आईपीएल 2024 में 14 मैच में 9.73 की इकोनॉमी से सबसे ज्यादा 24 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता। उन्हें पहली बार 2021 में पर्पल कैप मिला था। जेवलिन थ्रो में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रविवार को साफ किया कि उन्हें चोट नहीं लगी है, लेकिन हाल में ट्रेनिंग के दौरान उनकी एडक्टर मांसपेशियों में कुछ महसूस हुआ था। इसके बाद उन्होंने एहतियातन 28 मई को चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक मीट से नाम वापस ले लिया है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वे ओलंपिक साल में चोट लगने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए उन्होंने मशहूर टूर्नामेंट से नाम वापस लेने का फैसला किया। टॉप भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर रविवार को एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। उन्होंने वुमेन्स वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता। उज्बेकिस्तान की राजधानी में टूर्नामेंट के आखिरी दिन वर्ल्ड फाइनल में 30 साल की दीपा का औसत 13.566 था। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु के लिए अगले खिताब का इंतजार और बढ़ गया है। रविवार को मलेशिया मास्टर्स के फाइनल में वे फिनिश लाइन पर लड़खड़ा गईं और दुनिया की 7वें नंबर की खिलाड़ी चीन की वांग जीई से 3 गेम में हार गईं। सिंधु का कहना है कि मलेशिया मास्टर्स में हारने के बावजूद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। भारतीय मुक्केबाजों ने पेरिस ओलंपिक के लिए दूसरे वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वालिफायर के तीसरे दिन रविवार को भी अपना दबदबा जारी रखा। 63.5 किलोग्राम में अविनाश जामवाल और 71 किलोग्राम में निशांत देव ने आसानी से अपने मुकाबले जीत लिए। जामवाल और देव दोनों को जजों से 5-0 का फैसला सुनाया।